XYZ Limited is considering merger with ABC Limited. XYZ Limited shares are currently traded at rupees 25. It has 2 lakh shares outstanding and its EAT is 4 lakh. You can calculate EPS from this data. From the first paragraph, you have to calculate EPS. क्योंकि इन्होंने पूछा है व्हाट इज प्री मर्जर ईपीएस, यानी दोनों कंपनीज का एक्स वाई जेड और एबीसी का आपको ईपीएस पहले निकालना है. तो यहाँ पे ये 2 लाख दिया हुआ है, ये डिवाइड करेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख. फोर लाख इज ईएटी डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2 रुपीज ईपीएस पर शेयर फॉर एक्स वाई जेड. ठीक है, इसका 2 रुपीज आया, इसका कर लिया हमने. अभी सेकेंड पैराग्राफ में एबीसी लिमिटेड हैज 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स करंट एमपीएस इज 12.5, इट्स ईएटी इज 1 लाख. 1 लाख रुपीज ईएटी एंड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख. आंसर 1 पर शेयर. ठीक है, रुपीज 1 पर शेयर ईपीएस. नोट डाउन. ठीक है, अभी आगे क्या दिया है, मर्जर विल बी इफेक्टिव बाय मींस ऑफ स्वैप ऑफ शेयर्स. एबीसी लिमिटेड हैज एग्रीड टू अ प्लान अंडर विच एक्स वाई जेड विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड शेयर्स. यानी ऑन मार्केट प्राइस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस वी आर गोइंग टू स्वैप शेयर्स of XYZ with ABC. पहले हमने प्री मर्जर ईपीएस निकाला और क्या पूछा है, वॉट इज प्री मर्जर ईपीएस, ये हमने निकाल लिया है. पहले का 2 है, XYZ का 2 आंसर आया, एबीसी का 1 आया. ठीक है, पीई रेशो निकालना है. पीई रेशो का मतलब मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर. मार्केट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, 25 डिवाइडेड बाय 2. मार्केट प्राइस इज 25 डिवाइडेड बाय ईपीएस 2. 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5. फर्स्ट का मैंने बताया, एक्स वाई जेड का पीई रेशो निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशो. प्राइस अर्निंग रेशो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. 25 is market price and earning per share is 2. ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा 12.5. उसके बाद अगेन मार्केट प्राइस इज 12.5 एंड अर्निंग पर शेयर इज 1. 12.5 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 12.5. तो पीई रेशो भी हमने दोनों कंपनीज का निकाल लिया है. अभी आप इसको नोट कर सकते हैं. नोट डाउन, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स यू विल गेट ईपीएस. मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर यू विल गेट प्राइस अर्निंग रेशियो.
अभी हम लोगों को अर्निंग पर शेयर निकालने को आता है, और प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला भी इजी है। मार्केट प्राइस दिया होता है और अर्निंग पर शेयर जो हमने निकाला है उसी को ही डिवाइड करना है। आगे के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं देखते हैं। ये हो गया सबका? वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड क्वेश्चन। इफ एबीसी लिमिटेड पीई रेशियो इज 8, उन्होंने ऐसा बताया कि पीई रेशियो 8 लेना है, करंट मार्केट प्राइस यू हैव टू कैलकुलेट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट प्राइस सॉरी एक्सचेंज रेशियो। वॉट विल बी द एक्स वाई जेड लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस। एक्स वाई जेड एबीसी को एक्वायर करेगी, उसके बाद का ईपीएस पूछा है, मर्जर के बाद का। सबसे पहले इंफॉर्मेशन पीई रेशो 8 का यूटिलाइजेशन करना है। अगर पीई रेशो 8 है तो प्राइस निकालने आएगी आपको। एबीसी का मुझे अर्निंग पर शेयर देखना है। अर्निंग पर शेयर एबीसी का कितना है? 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 1। अर्निंग पर शेयर को अगर आप पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, 8 × 1। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर करंट प्राइस निकालना है तो पीई रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस। पीई रेशियो इज गिवन 8 times, okay? PE ratio is 8 times is equals to market price per share divided by 1. EPS हमने निकाला था पहले के क्वेश्चन में 1 rupees. MPS is 8. Okay? So what is the current market price of ABC? If PE ratio is 8, market price is also 8 because EPS is 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 8 × 1, 8 मार्केट प्राइस। नोट डाउन। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, आपको दोनों का मार्केट प्राइस लेना है 25 और 8। क्वेश्चन में देखो, ये मार्केट प्राइस है 25, 25 एंड 12.5 है। यहाँ पे आपको 8 लेना है एबीसी का, क्योंकि यहाँ पे पी रेशो के हिसाब से आपने निकाला करंट प्राइस। करंट प्राइस आपका 8 रुपीज आया, तो आपको एबीसी का 8 लेना है। एबीसी का 8 लेना है और इसका एक्स वाई जेड का 25 लेना है। अगर आप एबीसी का पहले का प्राइस ले रहे हो, 12.5 ले रहे हो, तो गलत हो जाएगा। ये प्राइस नहीं लेना है। जब आप एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो ना, तभी जो इस क्वेश्चन में डेटा दिया है उसके बेसिस पे जो प्राइस निकाली 8 रुपीज, उसके बेसिस पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन एबीसी का निकालोगे और डिवाइड करोगे 25 से। टारगेट कंपनी यहाँ पर है, टारगेट कंपनी है एबीसी, एक्वायरिंग फर्म है एक्स वाई जेड। ओके, एक्वायरिंग फर्म इज गोइंग टू टारगेट एबीसी। तो यहाँ पे हमने टारगेट किसको किया है? एबीसी को। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी 1 लाख को आप इंटू 8 करेंगे, 1 लाख × 8। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग
इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर 1 लाख इंटू 8 लाख आएगा, 8 लाख न्यूमरेटर में, और एक्स वाई जेड शेयर्स स्वैपिंग करेगा यहाँ पर, ठीक है। टारगेट कंपनी के ये शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये जो शेयर्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, उसके जगह पे कौन से शेयर्स इशू होंगे, न्यू शेयर्स एक्स वाई जेड विल इशू टू एबीसी, दीज शेयर्स विल बी कैंसल्ड। तो 1 लाख इंटू 8 करना है न्यूमरेटर में मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिवाइडेड बाय 25, व्हाट इज द आंसर, 8 लाख डिवाइड बाय 25, कितने न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, वन लाख इंटू 8 किया, 8 लाख आया, 8 लाख डिवाइडेड बाय 25, ओके केतल वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना आपको। पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन न्यूमरेटर में लिखना है 32, मतलब 1 लाख शेयर्स कैंसिल होंगे, उसके रिप्लेसमेंट में 32,000 न्यू शेयर्स मिलेंगे। आप एक्सचेंज रेशियो निकाल सकते हो, एक्सचेंज रेशियो ठीक है, वन लाख शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके जगह पे 32,000 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 32,000 पहले लिखना है रेशियो 1 लाख, 32,000 शेयर्स आर न्यू एंड 1 लाख शेयर्स आर गेटिंग कैंसल्ड, तो 1 लाख डिनोमिनेटर में लिखना है, 32,000 पहले लिखना है, एमपीएस लेना है मार्केट प्राइस के बेसिस पे, आपको एक्सचेंज करने हैं शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड बाय टारगेट बाय एक्वायरिंग फर्म, कौन इशू करेगा, एक्स वाई जेड इशू करेगा, एबीसी के शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, एबीसी के शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो 8 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 25, 32,000 शेयर्स, शेयर्स गेटिंग कैंसल्ड 1 लाख, 32,000 डिवाइड बाय 1 लाख 0.32:1, आपको ये प्राइस लेनी है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का ही पार्ट है बी पार्ट, तो आपको प्राइस 12.5 नहीं लेनी है, जो क्वेश्चन में दिया है वो प्राइस नहीं लेनी है, एबीसी की प्राइस जब आप लोगे तो वो आपको 8 लेनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको 8 लेना है ना कि 12.5, बस ये ध्यान रखना है कि सेकेंड क्वेश्चन में जो हमने मार्केट प्राइस निकाली है उसी को लेना है, और उसी के बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन न्यूमरेटर में एबीसी लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज 25, इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स 32,000, यानी 1 लाख शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, उसके जगह पर 32,000 शेयर्स हम न्यू इशू कर रहे हैं, एक्स वाई जेड विल इशू दीज शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ एबीसी, तो रेशियो बन रहा है 0.32:1, नोट डाउन, अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ दिया हुआ है, देखिए
व्हाट विल बी द XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस भी? अभी हम लोग को दोनों के प्रॉफिट्स को प्लस करना है, यानी ईएटी इसका और इसका ईएटी दोनों को प्लस करेंगे. 4 लाख प्लस 1 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख. और टोटल शेयर्स करना है, ओल्ड शेयर्स कितने हैं एक्वायरिंग कंपनी के, 2 लाख. और अभी कितने शेयर्स इशू किए हैं, ओल्ड शेयर्स आर 2 लाख, न्यू शेयर्स इशूड आर 32,000, टोटल शेयर्स आर 2,32,000. तो आप इजी है, 4 लाख और 1 लाख को प्लस करके 5 लाख न्यूमरेटर में, 5 लाख न्यूमरेटर में टोटल पैट डिवाइडेड बाय 2,32,000. टू लैख थर्टी टू थाउजेंड. वॉट इज द आंसर, टेल मी इन द चैट बॉक्स. 5 लाख प्रॉफिट है दोनों का मिला के, टोटल शेयर है 2,32,000. वॉट इज योर आंसर न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर? 2.155 पर शेयर, 2.155 पर शेयर इज ईपीएस आफ्टर, ईपीएस आफ्टर मर्जर. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर. व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो फॉर एक्स वाई जेड सो दैट द प्री एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी सेम. हमें ईपीएस को सेम रखना है, जो पहले ईपीएस था एक्स वाई जेड का, जो पहले ईपीएस था आप देख सकते हो यहाँ पर, कंपनी का पहले था 2 रुपीज, उनको 2 रुपीज ही रखना है. एक्स वाई जेड को ईपीएस चेंज नहीं करना है, तो हम ईपीएस लेंगे अभी 2 और 1, इसके बेसिस पे हम लोग करेंगे एक्सचेंज रेशियो. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यू शेयर्स इश्यूड बाय एक्स वाई जेड टू एबीसी. सो 2 और 1, कीप इन माइंड 2 और 1 ऑफ एक्स वाई जेड एंड एबीसी. न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर शुड बी सेम एज द प्रीवियस ईपीएस. जो न्यू ईपीएस मर्जर के बाद का है वो सेम होना चाहिए, जो पहले था उतना ही चाहिए इनको, 2 रुपीज पर शेयर. तो हम ईपीएस को बेसिस पे लेंगे 2 और 1. पहले हम मार्केट प्राइस को ले रहे थे, अब हम अर्निंग पर शेयर को बेसिस में ले रहे हैं. तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स. आपको आमने सामने लिखना है 2 और 1. उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू शेयर्स लेना है 1 लाख × 1 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 शेयर्स. 1 लाख × 1 टोटल अर्निंग्स of ABC is 1 lakh divided by EPS of XYZ. is equals to 50,000 shares. Exchange ratio 1 lakh or 50,000 ka ratio.
0.5:1. This is the new exchange ratio, but we have to calculate new EPS after merger. We have to check whether we are getting same EPS after merger, that is 2 rupees after merger. We have to check. So first calculate on the basis of EPS number of new shares, that is 50,000. Total shares, old shares plus new shares, 2 lakh. ABC के 2 lakh shares हैं already. 50,000 उन्होंने new shares issue किए. So answer is 2,50,000 total shares. Total PAT of both the companies, 4 lakh plus 1 lakh, 5 lakh. EPS after merger, 5 lakh divided by 2,50,000 rupees 2 per share. So we have proved that EPS, if we take EPS as a basis for calculating new shares, we will get the same EPS of ABC. ABC was having 2 rupees earlier EPS before merger, and ABC is also having EPS after merger 2 rupees. So it is same EPS after merger.